طيب هم ये जरा ओवरफ्लो जो है ना ये वाला चला के देख लेते हैं, ठीक है? फिर यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी एक तो ये ना डेस्कटॉप, इसका लोकल एक्सेस बंद करना पड़ेगा, है ना? चलिए अच्छा भाई, तो हम वो वाला कोड ओपन कर लेते हैं जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। अच्छा, मैं इसी को जो है ना कॉपी करके और इसका एक बना देता हूँ, 4 बॉक्सेस, और इसका जो index.html है उसमें से सारी चीज़ें हटा देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसमें एक अदद पैराग्राफ बना देते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में अब हमें क्या करना है, अच्छा कुछ टेक्स्ट कहीं से कॉपी करते हैं, इसी का ही टेक्स्ट जो है ना हम लेकर इसमें पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जनाब हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया, इसको हम जो है ना, अच्छा स्टाइल इसके हम सारे हटा देते हैं यहाँ से। स्टाइल इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, और इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा, कॉपी पाथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक अदद हमारे पास ना बन गया, आ गया पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, ताकि पता चले कि ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू है, कहाँ तक इसका बॉक्स जा रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं बुक को सबसे फर्स्ट पे कर देता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ ब्राउज़र को और फिर कोडिंग को, ठीक है? तो ये तीन मेरे पास सबसे पहले। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसमें आके कि पी पे क्या कर दो भाई, एक लगा दो बैकग्राउंड कलर। और मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड कलर आप लगाओ, कोई अच्छा सा कलर ढूंढते हैं। ये मैंने एक ना थोड़ा येलो कलर का एक शेड इस पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आप नोट करें, जब स्क्रीन बड़ी होती है ना तो ये क्या होता है, विड्थ तो ये पूरी लेगा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन हाइट पे ये क्या करता है, अपने कंटेंट पे टाइट हो जाता है। अच्छा, ये आप देखें, जब मैं स्क्रीन को पूरा बड़ा कर दूंगा तो ये 4 लाइन का हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे ये छोटा होगा तो ये 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन तक भी चला जाता है। तो ये इसकी जो है ना विड्थ जो है, हाइट जो है इसकी, ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। विड्थ कब वेरी करती है, जब स्क्रीन का साइज चेंज होता है। और हाइट भी कब वेरी करती है, जब स्क्रीन का साइज चेंज होता है, लेकिन वो कंटेंट, क्योंकि जाहिर है स्क्रीन का साइज चेंज होने पे लिक्विड होके नीचे जा रहा होता है, तो वो हाइट बढ़ा देता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी हाइट को अगर मैं चेक करूँ, तो यहाँ नीचे कंप्यूटेड में मेरे पास हाइट लिखी भी आ रही है 4185, ठीक है? पहले जो होता है ना वो एक्स होता है और दूसरा वाला जो है वाई होता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो इसकी एक्स यानी कि चौड़ाई है, या इसकी आप समझ लें विड्थ है अगर हम सीएसएस की बात करें तो, और सेकंड वाली जो है वो हाइट है। तो 185 अभी इसकी हाइट है। अब जैसे मैं उसको चेंज करूँगा तो ये हाइट भी क्या होगी, साथ साथ चेंज हो जाएगी, सही है?
अब आप देखें ये 100 से भी कम होके ये 92 पे जा चुकी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसकी हाइट क्या हो चुकी है, 92.5 हो चुकी है, ठीक है, पहले तो ज़्यादा थी। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 92 से इसकी हाइट ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जाके मैं इसको बोलूँगा कि भाई आपकी जो हाइट है ना वो क्या हो जाए, 92 पिक्सल हो जाए, बस इसके ज़्यादा ना जाए। तो अब क्या होगा, आप अगर गौर करें तो मेरे पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है ऑन द पेज, ऑन द पेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे पूरा टेक्स्ट अगर नज़र आ रहा है तो मुझे ऑन द पेज दिखना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को अपने छोटी करता हूँ, तो क्या होगा, इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गई और कॉन्टेंट मेरा कहाँ जाना शुरू हो गया, बॉक्स से बाहर, ठीक है। इस बिहेवियर को हम कहते हैं ओवरफ्लो। ये कंटेंट क्या हो रहा है, अपने बॉक्स से ओवरफ्लो हो रहा है। अच्छा, अब इस ओवरफ्लो को, एक तो था मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, मैं यहाँ पे वो भी लगा सकता हूँ, मैं इसको आगे बोल सकता हूँ कि यार आप ना क्या करो, मिनिमम हाइट जो है ना आप 92 से नीचे मत जाना, मिनिमम ये, मैक्सिमम मैंने बोला हाइट कि यार आप जो है ना 110 से ऊपर मत जाना, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम मैंने कर दिया, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा देखो बढ़ गया वो 110 तक गया, ठीक है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा यार 140 तक चले जाओ, चलो मैक्सिमम, रिफ्रेश किया मैंने, 140 हो गया, लेकिन मेरा कंटेंट सम टाइम ऐसा होगा कि वो 140 से भी ज़्यादा हाइट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उसको कम करता हूँ तो ये नाइन्टी टू मिनिमम ये जा रहा है, तो 92 में तो सही है, थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम वाले पे ना ये प्रॉब्लम कर रहा है कि मेरे इससे बाहर निकल जा रहा है। तो किसी हद तक, जैसा कि पहले इसने पेज पे बताया था, किसी हद तक मैं इस चीज़ को मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कॉन्टेंट ओवरफ्लो होगा। उसके लिए मेरे पास तरीका मौजूद है एक, कि ओवरफ्लो जब हो तो क्या किया जाए। बाई डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो जो है वो क्या है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है हिडन, एक है स्क्रॉल और एक है विजिबल, जो कि इसमें बाई डिफ़ॉल्ट होता है, वो इसलिए शायद लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर इसके मैं जाके यहाँ पे स्टाइल्स में और मैं उसको बोलूँ ओवरफ्लो, ठीक है, मैं CSS में वहाँ भी लगा सकता हूँ बट यहाँ पे सही है। तो ओवरफ्लो जैसे ही मैंने लिखा ना, तो ये सारी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी यहाँ पे आ गई। एक है हिडन, हिडन में वो क्या कर रहा है कि वो एक्चुअल कंटेंट ही छुपा दे रहा है मेरा, जो बॉक्स के अंदर है वही दिखेगा, जो बॉक्स से बाहर जा रहा है ना उसको वो बिल्कुल गायब कर देता है, छुपा देता है। अच्छा, अभी मैं हिडन कर देता हूँ इसको, हिडन करके जब मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो देखो आहिस्ता आहिस्ता टेक्स्ट मेरा ना विजिबल होता जा रहा है और ये पूरा विजिबल हो गया। जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ वो बजाय ओवरफ्लो होने के वो क्या हो रहा है, स्क्रीन गायब होता जा रहा है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास हिडन के अलावा है एक विजिबल। विजिबल क्या है, डिफ़ॉल्ट है, कुछ नहीं लगा हुआ होगा तो वो विजिबल होगा। अच्छा, एक है स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल जब मैंने लगाया तो आप देखें इस पर स्क्रॉल बार बना हुआ आ गया। जब मैं स्क्रीन को बड़ा करूँगा तो ये स्क्रॉल बार गायब हो गया, ठीक है, जैसे ही स्क्रीन छोटी हुई स्क्रॉल बार दोबारा चला गया, तो ये क्या हुआ, स्क्रॉल बना हुआ आ गया। अब डिपेंडिंग ऑन योर केस कि आपको ओवरफ्लो की सिचुएशन में क्या करना है, जो डिज़ाइनर ने आपको जो भी बना कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी इसमें प्रॉपर्टी फिट आ रही होगी वो आप लगा देंगे। अच्छा, तो होपफुली ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये बॉक्स मॉडल हम पढ़ चुके हैं कि यार ये बॉक्स मॉडल में तीन चीज़ें होती हैं, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर बाहर की तरफ बढ़ रहा होता है, बॉर्डर जो है वो उसका एज होता है, मार्जिन बाहर की तरफ होता है, पैडिंग अंदर की तरफ होता है। तो ये कलर कोडिंग में भी आपको बताया हुआ है, ये कलर जो पिक्चर का है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चल रहा होता है, ठीक है जी। ये पैडिंग और मार्जिन के साथ एक तरफ दिखाया हुआ है और एक तरफ बगैर मार्जिन और पैडिंग के दिखाया हुआ है। तो विजिबिलिटी में और रीडेबिलिटी में कि कौन सा टेक्स्ट कितना अच्छा लग रहा है और कितना पढ़ा जा रहा है, दोनों चीज़ में जो है वो बेहतर कौन सा है जिसमें थोड़ा मार्जिन और थोड़ा पैडिंग दोनों अप्लाई किया गया है।
अच्छा बॉर्डर विड्थ हम देख चुके थे, चला के भी देख लिया था हमने। इसमें थिक, मीडियम और थिन लगा सकते हैं, ये तीन वैल्यूज, और पिक्सल में भी आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है कि भाई 1 pixel सॉलिड ब्लैक, इस तरह करके भी लिख सकते हैं आप। बॉर्डर हमने देख लिया था, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड ये आ गया कि भाई 1 pixel सॉलिड ब्लैक, या सॉलिड की जगह जो भी दूसरे स्टाइल्स हैं, या ब्लैक की जगह कलर का कोड भी दे सकते हैं आप। पैडिंग है, पैडिंग हम बहुत पहले देख चुके हैं। वेल शायद हमें एक बार और इसको देख लेना चाहिए चला के, ताकि बेहतर आइडिया हो जाए। अच्छा, ये जो पैराग्राफ का जो बॉक्स है इस वक्त, ये अपने कंटेंट पे टाइट हुआ है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी ऊपर के एजेस हैं जो, और साइडों के जो दोनों एजेस हैं उस पर ये टाइट हुआ है, यानी उन एजेस में और एक्चुअल कंटेंट में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं क्या करूँगा इस पर, मैं बोलूँगा पैडिंग क्या करो आप 5 pixel। जैसे ही मैंने 5 pixel पैडिंग लगाया, ये अपने एजेस से थोड़ा दूर हो गया, राइट। अब इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा जैसे जैसे, तो ये एजेस से दूर हो जाएगा, पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी, पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी पैडिंग हटाता हूँ, इतना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हो गया, पैडिंग अंदर की तरफ बढ़ता है। मैंने इसकी मिसाल पहले भी दी थी फ्रिज से, कि जो बॉक्स पैक फ्रिज आता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो फ्रिज होता है, और उसका जो एजेस हैं वो एक कागज़ का डब्बा होता है, उनके दरमियान में फॉर्म का कुछ पीस डाल देते हैं, तो वो पीस पैडिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें तो इसलिए डालते हैं कि वो डेंट ना लगे, लेकिन इसमें इसलिए डालते हैं कि ये थोड़ा रीडेबल हो जाए और अच्छा लगे, थोड़ा बेहतर लगे देखने में। तो पैडिंग उसी चीज़ को ही कहते हैं। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा मार्जिन भी अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप देखें कि ये जो बॉक्स है, ये स्क्रीन के जो एज है या जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो उससे बिल्कुल चिपका हुआ है ये, ठीक है। मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये दूसरे एलिमेंट से थोड़ा दूर हो जाए, तो मैं इस पर मार्जिन लगाऊंगा। तो मैंने कहा मार्जिन भी आप क्या ले लो, 5 pixel अप्लाई कर दो। तो ये जैसे ही मैंने 5 pixel मार्जिन लगाया, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा दोनों साइड की दीवारों से दूर हो गया। अब मैं इस 5 को बढ़ाऊंगा अगर, तो ये दीवारों से और दूर होता जाएगा। मार्जिन आपको यहाँ पे ना पिंक कलर के कोड में आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कर्सर रखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये पैडिंग है, ये मार्जिन है, ठीक है। कर्सर हटा लूँगा तो दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये मार्जिन और पैडिंग दोनों लगने के बाद आप देखें कुछ भी नहीं है, एक काफ़ी वाहियात सा बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है और थोड़ा सा टेक्स्ट है, लेकिन ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, प्रोफेशनल सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। तो मार्जिन और पैडिंग की बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इस हेडिंग पे भी सेंटर कर दूंगा इसको, तो ये ऐसा लगेगा कि छोटी सी वेबसाइट तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो ये मार्जिन और पैडिंग में क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। इसका ओवरफ्लो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, हिडन करवा दिया। अब जैसे मैं इसको पीछे खींचूंगा, ओवरफ्लो इसका हिडन है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई हम। मार्जिन भी हमने देख लिया, पैडिंग भी हमने देख लिया, सेंटरिंग कंटेंट। अच्छा, ये सेंटर करने का तरीका है, हम ये पहले देख चुके हैं कि ये तरीका चलता तो है, काम तो ये करता है, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर तरीका आ चुके हैं सेंटर करने के, जो कि फ्लेक्स बॉक्स है। हम लेआउट के चैप्टर में जैसे ही पहुंचेंगे, तो इंशाल्लाह उस चैप्टर में मेरा ये प्लान है कि हम फ्लेक्स बॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अच्छा जी, ये हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल है, डिस्प्ले इनलाइन करूँगा तो अगर वो पहले से ब्लॉक है तो इनलाइन हो जाएगा। इन्होंने जो एग्जांपल दिए वो ये दिए कि लिस्ट आइटम जो है LI जो इन्होंने लगाया है, तो LI जो होता है वो असल में ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जब एक लिस्ट आइटम लगाते हैं तो वो पूरी जगह ले लेता है, उसके अगले पे फिर वो अगला आ रहा होता है, ठीक है। बट अगर मुझे नेविगेशन बार बनाना है, तो उसके लिए मुझे साइड बाई साइड चाहिए,
तो उसको इन्होंने क्या किया है, इन लाइन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक सवाल मुझसे पूछा था किसी स्टूडेंट ने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि क्या मुझे नेविगेशन बार बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे सब जगह ट्यूटोरियल में और बुक्स में जो ट्यूटोरियल में वो देख रहे थे, वहाँ पे LI का इस्तेमाल किया हुआ था, लिस्ट आइटम, और उसमें अनऑर्डर लिस्ट बना के लिस्ट आइटम लगाया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या LI का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन मैं किसी दूसरे एलिमेंट को भी अगर इस्तेमाल करूँगा ना, बन फिर भी जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, बन फिर भी जाएगा, लेकिन LI का इस्तेमाल उसमें ज़रूरी है। तो भाई फिर ज़रूरी क्या है, वो ज़रूरी इस वजह से है, अच्छा उसके जो बाहर हो, नैव के नाम से एक एलिमेंट है जो HTML5 में है, नैव के नाम का एलिमेंट होना चाहिए, यानी जो पूरा नेविगेशन बार है आपका, उसमें लोगो भी हो सकता है, उसमें आपके लिंक्स भी हो सकते हैं, एक प्रोफाइल का बटन भी हो सकता है, तो वो पूरा नैव में काउंट हो जाएगा आपके। तो वो नैव ओपन, नैव क्लोज, और उसके दरमियान में जहाँ पे आप ये लगा रहे हैं वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर LI करके आप एक एक आइटम लगाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब कोई क्रॉलर या कोई सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आता है, तो उसको ना एक तो नैव को देख के वो समझ जाता है ये नेविगेशन बार है, और नेविगेशन बार के अंदर वो क्या चेक करता है कि कितने आइटम मौजूद हैं। तो लिस्ट आइटम ना उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। सब लोगों ने अपने सर्च इंजन इसी हिसाब से बनाए हुए हैं कि वो नैव में क्या ढूंढता है, लिस्ट आइटम, कि कितने लिस्ट आइटम हैं, और वो लिस्ट आइटम को ना डिस्प्ले कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, तो जैसे मैं अगर लिखता हूँ ना यहाँ पे एप्पल, अगर लिख के मैं एंटर करता हूँ, तो आप नोट कीजिए ये ऊपर एप्पल तो ये आया है, लेकिन ना नीचे इसके तीन चार अलग अलग पेजेस हैं, वो भी आ गए थोड़े थोड़े। अच्छा, अगर मैं एप्पल को एंटर करता हूँ, तो ये जो चार अलग अलग मेन्यू थे ना, असल में ये कहाँ है मेन्यू, ये ऊपर नेविगेशन बार में, ठीक है। कौन कौन से मेन्यू थे, मैक, वॉच, आईफोन और आईपैड, ठीक है। आप देखें ये शुरू जो है यहीं से हुआ है, मैक, आईपैड, आईफोन और वॉच। असल में गूगल ने ये सोचा कि शुरू के चार ही दिखाऊं, सारे नहीं दिखा रहा, हो सकता है कोई सर्च इंजन सारा भी दिखा दे, तो वो असल में पॉसिबल इसी वजह से ये है कि वो क्रॉलर को क्या दिख रहा है, नेविगेशन बार का एलिमेंट दिख रहा है नैव, और उसके अंदर फिर वो लिस्ट आइटम है, तो उसने वो लिस्ट आइटम इस तरह करके गेट किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं गूगल की बात करूँ, तो शायद गूगल को ना अगर आप नैव ना भी लगाएं, डिव लगा दें, अच्छा वो उसमें आप लिस्ट आइटम की जगह भी डिव लगा दें, तो गूगल को शायद फिर भी समझ आ जाए, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, क्योंकि वो AI का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्होंने ह्यूमंस भी बिठाए हुए हैं जो कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव भी करते हैं और चीज़ों को चेक भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, तो उनका काफ़ी इंटेलिजेंट है ना क्रॉलर। लेकिन सही बात यह है कि दुनिया के अंदर ना सिर्फ गूगल नहीं है क्रॉलर, बहुत सारे और भी हैं, और वो बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो गूगल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे डक डक गो करके एक सर्च इंजन है, तो जो लोग थोड़े सिक्योरिटी को लेके कंसर्न रहते हैं ना, वो google.com नहीं खोलते, वो डक डक गो पे जाते हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पर किसी ने टॉर ब्राउज़र खोला हुआ है, वो यूज़ कर रहा है, सही ना, सर्च तो वो भी करेगा ना, जाहिर है जो भी चीज़ सर्च करनी है करेगा तो वो भी, लेकिन वो google.com नहीं खोलते, ठीक है, वो डक डक गो खोलते हैं। तो शायद ये गूगल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर गूगल बहुत सारे रिजल्ट्स सेंसर कर देता है, क्योंकि गूगल है US की कंपनी, उस पर US के सारे लॉ अप्लाई होते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें US के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है, वो सेंसर कर देता है, वो आपके रिजल्ट में शो ही नहीं करेगा उसको, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो कॉरपोरेट इदारे हैं और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको गूगल की प्रोडक्ट यूज़ करना अलाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो US की कंपनी है, US से शायद हमारे उस लेवल के इतने अच्छे ताल्लुक नहीं है, तो चाइना वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं लेकिन गूगल वाले यूज़ नहीं करते, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट फिर भी यूज़ कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सब जगह गवर्नमेंट इदारों में चल रहा है, वो फिर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गूगल की प्रोडक्ट्स तो यूज़ नहीं करते, तो वो US की कंपनी है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट भी US की है, लेकिन है कुछ अंदर की बातें जो शायद वो आम पब्लिक तक नहीं पहुँचाते। तो वेल, पॉइंट मेरा ये है कि क्योंकि जब वो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो उनको गूगल क्रोम इंस्टॉल करना अलाउ नहीं होता है, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं, जो भी नया वाला अभी आ चुका है उनका, थोड़ा बेहतर है, वो क्रोमियम हो गया है, वो भी बाय द वे अंदर उसके भी गूगल ही चल रहा है
तो क्या कहते हैं, सर्च इंजन वो बिंग होता है उसमें डिफॉल्ट, तो वो बिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉरपोरेट भी यही करते हैं, बिंग यूज़ करते हैं वो। गूगल पता नहीं, शायद इंस्टॉल करना अलाउ नहीं है किस वजह से, खैर। तो इस तरह की बहुत सारे मामला जो है ना चल रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो इस वजह से हम सिर्फ ये सोच के कि गूगल का सर्च इंजन बहुत स्मार्ट है, हम उसके भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है ना। कोई पता नहीं है कि गूगल बंद भी हो जाए, है ना, पाकिस्तान में बैन हो जाए गूगल, कोई पता थोड़ी है। तो चाइना में हो गया, बल्कि एक अरसे से, अभी तो थोड़ी हुआ है, एक अरसे से बैन है चाइना में। तो चाइना की जो आवाम है, टोटल आबादी दुनिया की 7 अरब के करीब बताई जाती है, तो उसमें से 2-2.5 अरब तो चाइनीज़ हैं सारे, 2-2.5 अरब की आबादी है चाइना की। तो तकरीबन दुनिया का 30% या 25% गूगल नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो वो ऑफ कोर्स दूसरे सर्च इंजन हैं जिनकी तरफ वो जाते हैं, शायद हमने उनका नाम भी ना सुना। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, उसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइडिंग बॉक्सेस, विजिबिलिटी, ये हम देख चुके थे यार, मुझे लग रहा है ये हमने पूरा कर लिया था। बॉक्स वैक्स लगा लिया था हमने, ये शेडो लगा लिया था। हाँ, ये कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे चैप्टर, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर में। अच्छा, ये चैप्टर यार बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी इसको हम गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं और लेआउट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, इसमें ना, इसने दो तीन छोटी छोटी बातें, वो चीज़ें पहली तो इसमें डिस्कस हुई हैं, ऐसे स्टाइल्स जो किसी और पे नहीं लगते, इसी पे ही लगते हैं, क्योंकि लिस्ट पे ऐसे स्टाइल जो लगता है ना बुलेट का, जैसे स्पेसिफाइंग बुलेट स्टाइल या पॉइंट स्टाइल, वो सिर्फ लगता ही अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर है, किसी और पे लग ही नहीं सकता वो, ठीक है। एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स टू टेबल्स, टेबल के अंदर ना सेल वगैरह होते हैं, सेल के बॉर्डर होते हैं, वो किसी और में होते ही नहीं है। तो वो ये सारी बातें ना इस चैप्टर में डिस्कस हुई हैं। चेंजिंग द अपेरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, अब फॉर्म के अंदर बटन होते हैं, बटन पे जो स्टाइल लगते हैं ना वो किसी पे भी नहीं लगते, ठीक है। कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिस पे बटन वाले स्टाइल लग जाते हैं। तो फिर इनपुट बॉक्सेस हैं, इनपुट बॉक्स का एक बॉर्डर शॉर्डर जो भी होता है, तो वो बातें इसमें डिस्कस हो रही हैं। तो ये इन्होंने जनाब छोटा सा ना एक वेबसाइट बना के शुरू में दिखा दी है कि आपको क्या करना है। इस पिक्चर को देखकर अभी से पहले तो हम क्या करते रहे हैं कि हम, मैं आपको ये कह रहा था लास्ट में कोड लिखा हुआ है, कोड देख के अपने हाथ से टाइप करो, ठीक है। अब हम चूँकि थोड़ा सीनियर क्लास हो गए, हम ऑलमोस्ट हमने बुक ख़त्म कर ली है, थोड़ा सा रह गया। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पिक्चर को देख कर, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जब आपका, इस पिक्चर को देख के बगैर वो कोडिंग को चेक किए हुए इसको रिप्रोड्यूस कर पाए आप, ठीक है, ये आपका टास्क है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये तो, क्योंकि दूसरे सेक्शंस जो हैं या जहाँ भी आमतौर पर पढ़ते हैं वहाँ पे गूगल क्लासरूम बना हुआ होता है, सब लोग उसमें सबमिट करवाते हैं टास्क, एक लास्ट डेट होती है, बड़ा एक अफरा तफरी का एक माहौल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा में ज़्यादा ये कहता हूँ यार लिंक भेज दो, मैं थोड़ा 2-4 लोगों के देख लेता हूँ जो बेस्ट होते हैं। तो यार इसका रीज़न ये है कि ये असेसमेंट मेरे लिए, मेरे किसी काम की थोड़ी, ये बनाओगे तो मैं बेच थोड़ी दूंगा उसको, मतलब ये पेज अगर बनाओगे तुम तो, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ये पेज अच्छा यार बन गया इसको मैं जाके लगा देता हूँ OLX पे बिक जाएगा, सही है कोई, या मिसाल के तौर पे मुझे कोई क्लाइंट का काम मिला वो मैं तुम लोगों से करवा लूँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये पेज बनेगा वो तुम लोगों की गिटहब में ही पड़ा रहेगा, कल को किसी को दिखा दोगे पोर्टफोलियो के तौर पर, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन ये असेसमेंट आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कि बुक का जो राइटर है वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उस एक्सपेक्टेशन पे कहाँ तक पहुँचे हो। तो वो शुरू में जो दिखा रहा है ना पहले चैप्टर से, कि शुरू में ये एक चीज़ बना के दिखा देता है, इसका शुरू से एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको देख के ना बंदा ऐसा बना लेगा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद शुरू से एक्सपेक्टेशन यही लेके चल रहा है वो, ठीक है। तो और मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या ये बना पा रहे हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये असेसमेंट है छोटी सी आपके अपने लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सैलानी को जवाबदेह ज़रूर हूँ मैं कि आपने क्या बनवाया स्टूडेंट से। तो
वो मैं ये दिखाऊंगा कि यार ये बनाया है। अच्छा, और वक्तन फवक्तन मैं कुछ मुख्तलिफ दूसरे भी टास्क देता हूँ जो बुक में ये वाले सिर्फ नहीं होते, और भी दूसरे होते हैं, तो वो भी आपके गिटहब में मौजूद है। तो वो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि जब CSS कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आपका टेस्ट होने वाला होगा, तो मैं गूगल फॉर्म आपको दे दूंगा, तो जो भी आपने बनाया है पूरे कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स, उन सब असाइनमेंट्स के उसमें नाम लिखे हुए होंगे, आपको अपने अपने लिंक उसमें पेस्ट करना है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे सैलानी को कुछ दिखाना है कि भाई ये टास्क बनाते रहे हैं बच्चे थ्रू आउट द क्लास। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। बुलेट पॉइंट स्टाइल। अच्छा, बुलेट के ना कोई तीन चार ये बिल्ट इन स्टाइल्स मौजूद हैं। एक है नन, जिसमें वो स्टाइल को पूरा ही गायब कर देगा, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। एक तो ऑर्डर लिस्ट होता है, उसमें नंबर्स आ रहे होते हैं 1, 2, 3, 4, एक होता है अनऑर्डर, उसमें बुलेट्स आ रहे होते हैं। तो उसमें ये दो तीन बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, ये आप लगा सकते हैं, जिसमें डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर है। जी सॉरी, ये असल में इसने बनाया ओएल है, लेकिन ये जो बुलेट स्टाइल है ना, ये किस पे लगेगा? ये अनऑर्डर लिस्ट पे लगेगा, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पे ये नहीं लगाएंगे आप। अच्छा, फिर ऑर्डर लिस्ट पे क्या क्या लगेगा बुलेट स्टाइल में? डेसिमल, डेसिमल में ये 1, 2, 3 करके दिखाएगा, ठीक है। फिर एक है डेसिमल लीडिंग 0, उसमें 0, 1, 0, 2 करके दिखाएगा। फिर उसी के बाद है लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन, अपर रोमन, ये कुछ बिल्ट इन इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मेरा ख्याल है कि लगा के देखने की तो ज़रूरत नहीं है। लिस्ट आप सब लोग CV बिल्ड कर चुके हैं अपनी अपनी HTML पे, तो उसमें ये लगा हुआ है लिस्ट आपके पास, उसमें ये स्टाइल आप चेंज करके देखेंगे तो आपको ईजिली वो अप्लाई हो जाता है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। इमेजेस फॉर बुलेट्स। अब वो जो एक तो तीन चार बिल्टन उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको किसी मुख्तलिफ दूसरे किस्म के बुलेट पॉइंट अगर लगाना है आपको, जो बिल्टन वाले में ज़ाहिर है मौजूद नहीं है, लिमिटेड दो तीन उसके अंदर हैं, तो वो लगाने के लिए आपके पास इमेजेस को भी बुलेट के तौर पे इस्तेमाल करने का तरीका मौजूद है, जिसको हम कहेंगे कि लिस्ट स्टाइल इमेज। अच्छा, लिस्ट स्टाइल इमेज लगाने के लिए क्या करना होगा? मुझे UL के ऊपर, यानी इसमें दो एलिमेंट है ना, UL और एक LI है, तो UL के ऊपर मुझे लगाना होगा लिस्ट स्टाइल इमेज, और उसके बाद उस इमेज का URL पास करना होगा, वैसे जैसे बुक की इस एग्जांपल में बताया मैंने, ठीक है, तो वो लग जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक इसका रिजल्ट भी दिखाया हुआ है कि जो इन्होंने लिखा है उसका रिजल्ट किस तरह का शो होगा। तो एक स्टार गालबन ये है, स्टार की फोटो है, वो अप्लाई हुई है सबके ऊपर। सॉरी, आइकन, देखो आइकन तो कोई इमेज ही होगा ना, क्योंकि देखो आइकन से ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आइकन ना दो तरह के हैं, एक तो है पुराने ज़माने वाले, किसी ने भी ग्रुप में भी शायद पूछा भी था ये, एक तो है पुराने ज़माने वाले जो कि JPG इमेज होती थी या PNG इमेज होती थी, वो आइकन के तौर पे यूज़ होता था, तो वो तो ज़ाहिर है इमेज है तो वो ईजिली लग जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अब ना आइकन वो वाले यूज़ होते नहीं हैं, SVG भी SVG होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया है। वो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि अब फॉन्ट जब आप लगाते हैं ना, जैसे रोबोटो फॉन्ट हमने लगाया था, इस तरह फॉन्ट के साथ ही आपके पास आइकन्स आ चुके हैं, सही है, जिसमें सरे फहरिस्त है फॉन्ट ऑसम, AWSOME, आई एम बैड विद स्पेलिंग्स, वेल गूगल इज स्मार्ट। अच्छा, तो ये फॉन्ट ऑसम जो है ना, उसमें सबसे सरे फहरिस्त है। तो जब आप इसको अप्लाई कर देते हैं फॉन्ट ऑसम को, तो यहाँ पे ना ये इतने सारे फॉन्ट्स इन्होंने लगाए हुए हैं, आप सर्च करेंगे कोई भी फॉन्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक इनकी लिस्ट थी फॉन्ट की, सर्च बार एक आ रहा होता, ये सर्च बार है ना इनका। अब मिसाल के तौर पर आपको आइकन चाहिए, बेल आइकन चाहिए आपको, राइट, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा ना बेल और एंटर करूँगा मैं, व्हाट, अच्छा ठीक है, तो ये बेल के जितने आइकन हैं ना, ये सारे मेरे पास डिस्प्ले हो गए। लेकिन ये आइकन अप्लाई कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर एक आइकन पे जब मैंने क्लिक किया, तो इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप HTML में हैं ना, तो आप क्या करें,
आप ऐसे करके क्लास इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक लिंक होता है फॉन्ट ऑसम का, वो आपने पहले से इंडेक्स के पेज में लगाया हुआ होता है, और फिर आप जस्ट ऐसे करके लगेंगे ना लग जाएगा ये। या आपको अगर रिएक्ट में इस्तेमाल करना है तो आप उसको ऐसे करके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इस तरह से अब लग रहा होता है। क्या उसको कहेंगे हम, आइकन्स इस तरह से अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। जब मैंने डाउनलोड किया तो ये SVG मेरे पास डाउनलोड होके आ गई, लेकिन डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है, ऐसे क्यों करते हैं, पहले वाले तरीके में क्या प्रॉब्लम थी? तो अगर तो आपको इस तरह का आइकन कोई चाहिए ना, जैसे अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि बुलेट। अच्छा, बुलेट में ट्रेन आ गई, बुलेट वो वाला बुलेट नहीं आया इसमें। फायर लगा दिया मैंने, सही है। मिसाल के तौर पे आपको ये फायर है, इसको आपको एज अ बुलेट पॉइंट यूज़ करना है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। आपको वो PNG फॉर्मेट में आया था ना, किस में आया था, दोबारा करके देख लेते हैं। अच्छा, SVG फॉर्मेट में आया था, तो ये आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं इसको कहीं पे अगर आपको प्लेस करना है तो। बट HTML वाले कोड से लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको कभी भी वो आइकन अगर चेंज करना है, मिसाल के तौर पे फायर आपको ये वाला नहीं चाहिए, फायर आपको ये वाला चाहिए, या कंडीशनली आपको ये फायर और वो फायर दोनों दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? कंडीशनली अगर आपको करना है तो आपको फिर दोनों डाउनलोड करके फोल्डर में रखना होगा, फिर कंडीशनली बहुत सारी लॉजिक लगानी पड़ेगी आपको। इसमें आप जस्ट ये करते हैं कि पूरे HTML को आप कंडीशनल कर देते हैं, जो कि नस्बतन आसान है, और वो जो फॉन्ट आप लगाते हैं ना, जो वाला आइकन आप लगाते हैं, इंटेलिजेंटली वो डाउनलोड भी हो जाता है, वो डिस्प्ले भी हो जाता है। एक फॉन्ट हटा के कोई दूसरा, एक आइकन हटा के कोई दूसरा लगाना है, आपने 100 जगह पे आइकन लगाया हुआ, क्योंकि वेबसाइट में आइकन बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं, पूरा साइट मेन्यू आइकन ही आइकन होता है। अगर मैं अगर सिर्फ इस वेबसाइट के ऊपर देखूँ तो आप यहाँ पे साइट में नोट कर रहे हैं कितने सारे आइकन लगे हुए हैं, ये कैटेगरीज हैं इनकी, तो ये कैटेगरीज में सब में आइकन लगे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे सारे आइकन फ्लैट वाले लगाने हैं, क्योंकि नए नए आइकन के स्टाइल्स आते रहते हैं, पहले शुरू शुरू में आइकन आते थे वो जिसको क्या बोलते थे, क्लिप आर्ट, वो क्लिप आर्ट टाइप की चीज़ होती थी एक, जो बिल्कुल हम पावर पॉइंट के ज़माने की बात हो रही है। फिर उसके बाद वो उन्होंने बोला नहीं यार थोड़ी ना पिक्चर होगी JPG वाली, वो वाले आइकन आने लग गए। फिर उन्होंने बोला 3D आइकन हो गए, ठीक है ना, ऐसा लगेगा एक तरफ से शेडो आ रहा है, थोड़ा मटेरियल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, तो मटेरियल वाले आइकन आ गए 3D के बाद। फिर अच्छा, मटेरियल में वो क्या होता है, एंगुलर डिज़ाइन होता है, वो एंगुलर होते हैं, जैसे अगर आप खैर आप मटेरियल आइकन्स लिखेंगे वो आपको मिल जाएगा, मटेरियल आइकन भी पूरा एक अलग है फील। उसके बाद फिर आ गए फ्लैट आइकन्स। फ्लैट आइकन क्या होते हैं, उसके अंदर ना मतलब कलर जो होता है वो फ्लैट कलर होता है, उसमें कोई ग्रेडियंट वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, और वो स्मूथ एजेस होते हैं गोल मटोल से, ठीक है। तो वो फ्लैट आइकन आ गए, तो अभी आप इसमें देखेंगे ये सारे आइकन जो है फ्लैट हैं, ये इसमें कोई ग्रेडियंट आपको नहीं नज़र आएगा। मैं नेक्स्ट करूँगा ना, ये सारे देखो फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, कोई अंदर से ना फिल हुए हुए, कोई फिल नहीं हुए हुए, ये अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। अगर मतलब मुझे वाइट बैकग्राउंड पे लगाना है तो मैं ये वाला लगाऊंगा, बट अगर मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे लगाना है तो मैं ये वाला लगाऊंगा, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड अगर है, ब्लैक पे तो खैर वो मिक्स ही हो जाएगा, डार्क बैकग्राउंड पे मैं ये वाला लगाऊंगा और लाइट बैकग्राउंड पे ये वाला लगाऊंगा, तो अकॉर्डिंग। अच्छा, एक ये भी मेरे पास है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास अलग अलग तरह की चीज़ मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर क्योंकि साल बाद या 2 साल बाद ना साइट वेबसाइट की थीम को चेंज किया जाता है, वैसे भी आप फेसबुक में भी नोट करते होंगे, साल गुजरता है वो उनका पूरा थीम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वो अपडेट कर देते हैं कुछ, कभी गोल मटोल कर देते हैं, कभी चकोर कर देते हैं, ये हर वेबसाइट में होता है मोर और लेस, कि वो एक ख़ास अरसे के बाद, जैसे एप्पल की जो वेबसाइट है वो हर साल के इवेंट का उनका एक थीम होता है, जैसे अभी लास्ट टाइम उन्होंने शायद रखा था हाई स्पीड, उसका नाम रखा था।
ठीक है, कुछ इस तरह की थीम उन्होंने रखी हुई थी, ये इनकी थीम थी अभी जो लास्ट हुआ है 2020 में उन्होंने, फिर पता नहीं अल्ट्रा वल्ट्रा करके क्या नाम रखा होगा। तो वो ना सिर्फ थीम रिलीज़ करते हैं अपने फ़ोन के साथ, बल्कि उस थीम को पूरी साइट पर वो अप्लाई भी कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जाहिर है आइकन भी चेंज होंगे, सब चीज़ें चेंज होंगी। तो डाउनलोड करके रखने वाले केस में ना बहुत हैक्टिक है कि यार फोल्डर डिलीट करो पूरा, फिर उस फोल्डर में जब डाउनलोड होगा तो एक सर्टेन नेम से डाउनलोड होगा ना, वो सर्टेन नेम ही वही होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोडिंग में भी नाम चेंज करना होगा। तो ये वाला तरीका बेहतर है कि आप सीधा जाते हो कोडिंग में और वो वाला HTML रिमूव करके ये HTML लगा देते हो, तो बहुत ईजिली ये काम हो जाता है। अप्लाई करके दिखा देता हूँ यार, और बोलो, ये मैं चला गया स्टार्ट पे, ठीक है, fontawesome.com पे मैं बल्कि चला जाता हूँ, ठीक है, fontawesome.com पे आ गया मैं, जो इनका होम पेज है। यहाँ पे इन्होंने कहा स्टार्ट फॉर फ्री, स्टार्ट फॉर फ्री पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इन्होंने बोला कि यार आप ना लॉगिन हो जाओ, लेकिन मैं लॉगिन नहीं होना चाह रहा, इसी के नीचे गेटिंग स्टार्टेड है, तो गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं क्योंकि ये फ्री है, इसमें लॉगिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड में मैं जैसे ही आया तो सेटअप फॉन्ट ऑसम इन योर प्रोजेक्ट ऐसे करके इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, लॉग इन करने ये बोल रहा है, नेव बार पे कहाँ बोल रहा है स्टार्ट, ये वाला नहीं, ये तो मुझे फिर साइन अप पे ले आया ना, आइकन ये वाला नहीं, इसकी इंस्टॉलेशन देखनी है ना मुझे, वो लिंक लगता है पहले, वो लिंक लगेगा तो चलेगा ना आगे ये। तो मैं वेल दोबारा से गेटिंग स्टार्टेड पे जाता हूँ और मैं हाँ, आइकन तो भाई हर तरह के होते हैं। फॉन्ट ऑसम इज़ वन ऑफ मैनी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे और भी हैं, एक फ्लैट आइकन के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है, एक मटेरियल आइकन है जो गूगल वालों का अपना है। नहीं नहीं असल में ये सिर्फ ये चाह रहा है कि मैं लॉगिन हो जाऊँ, और कुछ भी नहीं चाह रहा। वेल, हो जाते हैं लॉगिन, नॉट अ प्रॉब्लम। फॉन्ट ऑसम किट, अच्छा यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि सेटअप विथ Vue.js, ऐसे करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं Vue.js में, बट सिंपल HTML CSS में कैसे कर सकते हैं वो नहीं बताया। अच्छा, गेट स्टार्टेड, गेट द डीड्स ऑन अपग्रेडिंग, fontawesome किट, होस्ट योर सेल्फ, अच्छा यहाँ पे ना ये कह रहा है कि आप डाउनलोड कर लो यहाँ से, डाउनलोड फॉन्ट ऑसम V6 फाइल्स और वेब फॉन्ट प्लस CSS मेथड। वेल, ये मुझसे कह रहा है कि भाई फाइलें आप डाउनलोड कर लो अपने पास ना, URL वो नहीं देना चाह रहा है। अच्छा भाई, 6.1.1 फॉर द वेब और फॉर द डेस्कटॉप, फ्री फॉर वेब डाउनलोड। तो ये इसने मुझे ना जिप डाउनलोड कर दिया 6 MB का, 6 MB का जिप है, जितने फॉन्ट ऑसम में आज तक जितने भी आइकन आए ना, लाखों के तादाद में होंगे, वो सारे 6 MB के अंदर आ गए। अच्छा, इसमें से मुझे देखना है कि अब मैं कौन सी फाइलें मुझे अपने पास लगानी है, ठीक है, इसने मुझे ना CSS दिया है,
और इसने मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल दी है, इसने मुझे लेस दिया है, SCSS दिया है, कौन सी मुझे चाहिए? तो मुझे आई थिंक सिर्फ CSS की फाइल चाहिए क्योंकि वो क्लास के जरिए उसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ऑल डॉट मिन डॉट CSS, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करके ना इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में लेकर आ जाता हूँ। बल्कि मेरा प्रोजेक्ट किधर है भाई, ये रहा, मैंने यहाँ पे इसको ला के क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसके लिए हम जो फोल्डर बनाते हैं वो किस चीज़ का फोल्डर बनाते हैं, हम फोल्डर बनाते हैं लिब का भी बना सकते हैं, लाइब्रेरी, वेंडर का भी बना सकते हैं, ठीक है, वेंडर के नाम से भी लोग बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लिब के नाम से बना रहा हूँ। अब मैंने लिब में ना इसको ला के पेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने HTML से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट ऑसम ना शायद उन्होंने पेड वेड पैकेजेस निकाल लिए, इससे पहले उनके ना पेड पैकेज नहीं थे जब मैंने लास्ट चेक किया था। अच्छा, वेल अभी मैं फ़िलहाल उस पर साइनअप नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, अच्छा ये मैंने ना लिंक लगा दी है, कौन सी स्टाइल शीट की, जो मैंने ऑल डॉट सी एस एस करके लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से आके कोई इसका उठाता हूँ वो फॉन्ट एक, ठीक है, ये सेटअप मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, और तो मुझे मेरा ख्याल है कोई सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाऊँगा आइकन्स में, और आइकन्स में जाने के बाद मैंने लिखा बेल आइकन, एंटर, और ये मैंने जो सबसे पहला जो बेल था ना, इस बेल का मैंने कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, और इस बेल का कोड कॉपी करके मैं अपनी साइट पे लगाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पे, H1 से पहले, ये जो किचन किचन लिखा हुआ है इससे पहले मैंने लगा दिया ये। मैंने कहा H1 में क्या होगा, पहले एक आइकन होगा और ये फिर लिखा हुआ आएगा किचन गार्डन कैलेंडर। तो देखते हैं जी कि वो ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। रिफ़्रेश किया मैंने तो ये कुछ गोल मटोल सा आ गया। अच्छा, कोई एरर भी आया है यहाँ पर, कॉन्सोल पे देखते हैं क्या एरर आया है। अच्छा, कह रहे फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल इसको मिल रही नहीं है, क्यों भाई? अच्छा, वो लगा देते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, अच्छा W3 स्कूल का ही आपने लिंक दिया है, वेल डन यार। ये तो आपने बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट निकाल दिया। वेल इसको ये लिब के अंदर जो मैंने रखा है किसी वजह से इसको मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने ये लिंक भेजा है, तो हम ये वाला लिंक लगा देते हैं fontawesome.min.js, और अब ज़रा चल के हम चेक करते हैं कि वो फॉन्ट अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वेल मे बी ये पुराना वर्जन हो, तो हम क्या करते हैं इन्हीं की ना ये क्लास उठा के लगा के देखते हैं, ठीक है, जो इन्होंने लगा के बताया हुआ है ना वो वाला हम लगा के देखते हैं। अच्छा, ये तो अप्लाई हो रहा है इनका वाला,
लेकिन हमने जो उठाया ना वो शायद क्योंकि इसमें वर्जन लिखा हुआ था 6.1.1, तो मे बी जो मैंने बैल उठाया। अच्छा इसमें ना एफ ए का एक इन्होंने एफ ए अलग से लगाया हुआ है, इसमें एफ ए अलग से नहीं लगा हुआ था, तो ये लगा के चेक करते हैं, मे बी इसकी कमी थी। अच्छा इसकी कमी थी, ठीक है। तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट में यार इसको मेंशन क्यों नहीं किया हुआ कि पहले एक एफ ए अलग लगेगा फिर उसके बाद लगेगा वो। अच्छा सही है ना, मैं लॉग इन नहीं हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने बटन बनाया हुआ है कि स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन, और ये मैं प्रेस करूँगा तो मुझे फिर ये लॉग इन पर लेकर जाएगा। आई थिंक स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन पे ना देखो मुझे यही लेकर आ जाएगा, अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस वर्जन टू फॉन्ट ऑसम, वी हैव ट्राइड टू मेक मूविंग वर्जन वेल। तो ये थोड़ा सा हमने चला के देख लिया कि यार फॉन्ट ऑसम किस तरह से चलता है, और होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अब जहाँ पे भी मैं ये लगाऊंगा ना वो फॉन्ट वहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब उसको छोटा करना है बड़ा करना है वो मैं CSS से उसको स्टाइलिंग सारी दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर देना है उसको, कहीं पे मुझे मार्जिन पैडिंग देनी है, ठीक है, इनलाइन तो होता ही है, ब्लॉक करना है अगर तो कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ ना। जैसे इन्होंने देखा इसको एक रेड कलर में जो डिस्प्ले किया हुआ है वो इस पर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है कि भाई तुम रेड हो जाओ, तो ये रेड हो गया। तो ये असल में बिहेव कर रहा होता है किस तरीके से, टेक्स्ट की तरह से बिहेव कर रहा होता है ना, और इनफैक्ट ये है भी टेक्स्ट, क्योंकि देखो टेक्स्ट में क्या हो रहा होता है, हमारे पास कोई भी फॉन्ट है अगर हम कैलिब्री फॉन्ट की बात करें या रोबोटो फॉन्ट की बात करें तो उसमें 200 के करीब कोई यूनिक कैरेक्टर्स हैं, यूनिक सिंबल्स हैं या SVG इमेजेस हैं एक्चुअली 200 के करीब, जिसमें ए से जेड तक स्मॉल है, ए से जेड तक कैपिटल है, फिर नंबर्स हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ये सब मिला के 200, 256, 300 के करीब कैरेक्टर होते हैं एक फॉन्ट के अंदर। इन्होंने क्या किया उन कैरेक्टर्स के साथ ना ये वाले भी लगा दिए कि गाड़ी बेल आइकन ये सब लगा दिए, तो वो 200 के करीब से बढ़ के क्या हो गया वो 2000-3000 हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं होते ना आइकन, जितने मर्जी आइकन आप ढूंढ ढांड के निकाल लें 2000 होंगे बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होते, तो वो सारे इन्होंने फॉन्ट की तरह से लगा दिए। तो अब जो ये गाड़ी बनी हुई नज़र आ रही है ना तीन, ये एक्चुअल में इसका जो वेट है, इसका जो वेट है मेरे ब्राउज़र के ऊपर वो टेक्स्ट वाला वेट है, वो इमेज वाला वेट नहीं है, क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट ये बिहेव कर रहा है, ये फॉन्ट है एक्चुअली, ये आइकन तो है लेकिन ये फॉन्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉन्ट के साथ जो जो चीज़ें हो सकती हैं, फॉन्ट का साइज़ बड़ा होता है साइज़ छोटा होता है, तो इस पर भी मैं फॉन्ट साइज़ लगाऊंगा ना तो ये बड़ा होगा, ठीक है, इस पर मैं कलर लगाऊंगा तो इसका फोरग्राउंड कलर बदलेगा जैसे एक पैराग्राफ का बदलता है। तो ये हमने देख लिया जनाब। अच्छा बुक में हम देखते हैं आगे क्या है, पोजिशनिंग द मार्कर लिस्ट स्टाइल पोजिशन। अच्छा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक स्टाइल और भी लग सकता है जो कि है क्या, उसका बुलेट लिस्ट के अंदर हो या बाहर हो, तो ये आप इनसाइड आउटसाइड करके दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों का आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ये अगर आउटसाइड करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, इनसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये मौजूद है मेरे पास। लिस्ट के लिए आप शॉर्ट हैंड है, जो पीछे तीन बातें पढ़ी है ना वो एक ही लाइन में अगर लिखनी है तो ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है। क्या है भाई लिस्ट स्टाइल, इनसाइड सर्कल के इनसाइड बने सर्कल बने। अच्छा भाई आगे चलते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़। अच्छा यू ऑलरेडी हैव मेट सेवरल प्रॉपर्टीज़ दैट आर कॉमनली यूज विद टेबल्स, कह रहे कुछ प्रॉपर्टीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं जिसका ताल्लुक टेबल्स के साथ है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है कौन बता सकता है आप मुझे, कुछ याद है पीछे क्या पढ़ कर आ गए। प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है ये, वो तो एलिमेंट्स थे ना TD और TR, टेबल रो टेबल हाइट, टेबल रो और टेबल डेटा, कॉल स्पैन एग्जैक्टली, और रो स्पैन और बॉर्डर, बॉर्डर भी देख चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं पहले भी आपने देख ली है जो बहुत कॉमन है। एक शायद इसने और भी बात बताई थी, वो अल्टरनेट कलरिंग वो नहीं बताई थी, वो शायद यहाँ बताएगा, वो CSS की चीज़ है।
अच्छा कह रहे इसमें कुछ एक दो बातें और सीख लो, कह रहे हर टेबल की ना एक विड्थ हो सकती है, ठीक है, टेबल की कोई ना कोई विड्थ होगी, कोई ना कोई चौड़ाई होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने विड्थ उसको दे दी 400 पिक्सल, ठीक है, तो उसकी ओवरऑल जो विड्थ है वो 400 ही रहेगी। अब उसमें सेल आप जितने मर्जी बनाते चले जाओ वो 400 में ही एडजस्ट होगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो एक विड्थ हो सकती है उसकी। अच्छा ये जो विड्थ है ये पिक्सल में भी दी जा सकती है, परसेंटेज में भी दी जा सकती है। मैं 50% बोलूँगा तो वो पेज का 50% हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा पैडिंग, क्योंकि टेबल एक बॉक्स है ऑफ कोर्स, अभी टेबल के अंदर के सेल्स की बात नहीं हो रही, अभी ये पूरे बॉक्स की बात हो रही है। टेबल इज़ वन बॉक्स, जैसे कि सारे एलिमेंट एक बॉक्स हैं, तो उस बॉक्स के ऊपर पैडिंग भी लग सकती है ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उस पर हो सकता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस बना देता है। अच्छा लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, ये अगर आप लगा देते हैं पूरी टेबल के ऊपर तो पूरी टेबल का लेटर स्पेसिंग क्या हो जाएगा, जो आप लगाएंगे वो वाला हो जाएगा। उसके अलावा बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, टू सेट बॉर्डर अबव और बिलो द टेबल हेडर, ये वाली प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाई उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन से आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आप पूरे टेबल पे ही लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो पूरे टेबल का टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, लेकिन आप अलग अलग सेल्स पे भी ये लगा सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर है और होवर है। होवर क्या है, ये जो कॉलन लगा के हम लिखते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं, कौन बता सकता है, सूडो एलिमेंट या सूडो क्लास। दो दो हमने पढ़े थे, एक सूडो एलिमेंट थे एक सूडो क्लास थे। तो होवर जो है या हवर बोले उसको, जो भी प्रोनाउंसिएशन बेहतर लगे, ये कौन से वाले में फॉल करता है, सूडो एलिमेंट में या सूडो क्लास में। असल में मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब तुम बोलोगे कि सर ये ना एलिमेंट है तो मैं कहूँगा एलिमेंट क्यों है, मैं कहूँगा क्लास है तो मैं कहूँगा क्लास क्यों है। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में जो फ़र्क बताया था वो याद है, ये भूल गया, क्या फ़र्क था बताओ। अच्छा और ये होवर करेंगे जो तो वो आएगा वो कौन सा वाला है, ये क्लास है। बिल्कुल सही बताया भाई इन्होंने, इन्होंने ये बताया जो कि बिल्कुल सही बात है कि जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं वो जो पहली दफ़ा जो रेंडर हो जाएगा वो वही रहेगा, ठीक है। कोई एक नाम बता सकता है सूडो एलिमेंट की, सूडो एलिमेंट का कोई एक नाम बता सकता है यहाँ पर। H1 तो एलिमेंट है ना, कोई एक सूडो एलिमेंट बता दें आप। इसी तरह कॉलन लग के वो भी लिखता है, उसको भी लिखा जाता है। फोकस तो नहीं है, हाँ विजिट, विजिट भी नहीं है, मगर विजिट भी नहीं है, विजिट और तीन होते हैं ना उसके भी जो उस पर लगते हैं एंकर टैग पे, नहीं ये वाला भी एलिमेंट नहीं है। सूडो एलिमेंट तीन पढ़े थे हमने इसी बुक में। फर्स्ट लेटर, हाँ भाई फर्स्ट लेटर क्या ये सूडो एलिमेंट है, इस नाम से कोई सूडो एलिमेंट है फर्स्ट लेटर, पता ही नहीं है मुझे। फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो तो सेलेक्टर है, सेलेक्टर है ना वो, तो सूडो क्लास थोड़ी है ना, सूडो एलिमेंट है वो। जाओ सब अपने अपनी मशीन पे स्क्रॉल करो और उस चैप्टर में जाओ जहाँ पे हमने सूडो एलिमेंट्स का जिक्र देखा था, और वहाँ पे जाके मुझे बताओ कि कौन कौन से सूडो एलिमेंट्स का जिक्र इस बुक में किया गया है। सही है, ये दो सूडो एलिमेंट्स हैं और तीसरा कौन सा है, दो ही है।
वेल तो फर्स्ट लेटर पे जो आपने लगा दी ना स्टाइलिंग, पेज रेंडर होते वक्त वो हो ही रहेगा और वो बाद में चेंज नहीं होगा, वो सूडो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और सूडो क्लास क्या है कि वो पेज रेंडर होते वक्त अगर जो है वो बाद में चेंज हो जाएगा, अगर वो लिंक है तो वो विजिटेड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। या अगर कोई एलिमेंट है उसमें मैंने होवर पे लगाया तो जब तक होवर रहेगा जब तक वो विजिबल रहेगा सूडो क्लास जो भी है, जैसे ही वो होवर हटाऊंगा मैं वो गायब हो जाएगा यानी अपनी ओरिजिनल हालत में। तो इस तरह का जो काम होता है उसको हम सूडो क्लास बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो उसने बताई है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह का टेबल बना दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसने ना टी आर पे आप नोट कीजिएगा, टी आर डॉट होवर पे इसने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर, एक खास बैकग्राउंड कलर लगाया है कि पूरी रो के ऊपर जब आप होवर करेंगे तो पूरी रो का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने टेबल की जो विड्थ है वो 600 बता दी है यहाँ पे, टी एच और टी डी दोनों में कुछ ना कुछ पैडिंग ऐड कर दी है कि चाहे वो हेडिंग वाला डेटा हो या नॉर्मल टेबल डेटा हो उसमें कुछ पैडिंग ऐड कर दी है, सेल्स की बात हो रही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया है, अल्टरनेट कलरिंग के लिए, क्योंकि टेबल जो बड़ी टेबल्स होती हैं या जो थोड़ी विड्थ में ज़्यादा होती हैं टेबल, उनमें अल्टरनेट कलरिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है रीड करने के एतबार से। तो यही वजह है कि आप ईमेल वगैरह भी खोलते हैं तो उसमें अल्टरनेट कलरिंग हुई भी होती है। उसके लिए इसने ना टी आर डॉट इवन करके एक क्लास बनाई हुई है, और वो वाली क्लास क्या करता है, ये हर एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे पे वो क्लास हाथ से इसने लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि इसने क्या किया हुआ है, इवन फिर अगले वाले में नहीं लगाया, फिर उसके बाद इवन ऐसे करके लगाया हुआ है, उस इवन को इसने खास कलर दिया हुआ है। तो होता क्या है, वो एक छोड़ के दूसरा जो रो है वो अलग कलर दिख रहा होता है, अल्टरनेट कलर्स आपको दिख रहे होते हैं कि एक में वाइट फिर एक में हल्का सा ग्रे फिर एक में वाइट फिर हल्का सा ग्रे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी टेबल की और भी है कि एम्प्टी सेल्स को शो करना है कि हाइड करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वो शो है, सही है। और जो भी बॉर्डर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, ज़ाहिर है वो पूरी टेबल पे अगर मैंने लगा दिया है कि मैंने कहा टी डी पे बॉर्डर लगा दो, तो जितने भी टी डी होंगे सब पे बॉर्डर लग जाएगा। तो अगर कोई सेल खाली है तो क्या उसको उस पर भी बॉर्डर दिखाना है, उसको भी डिस्प्ले रखना है, ये वो प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा भाई एम्प्टी सेल शो या एम्प्टी सेल हाइड, तो इस तरह करके आप इसको गायब करवा सकते हैं। नीचे रिजल्ट दिखा दिया इसने कि भाई गायब करोगे तो वो बॉर्डर भी शो नहीं करेगा, अगर शो रखोगे तो कंटेंट तो है नहीं कोई लेकिन बॉर्डर शो करेगा वो। गैप्स बिटवीन सेल्स, के दो सेल के दरमियान जो गैप है ना वो कैसे लेकर आएंगे आप, तो इसके लिए एक बॉर्डर स्पेसिंग करके डिस्कस हो रही है चीज़, एक बॉर्डर कोलैप्स करके जो है डिस्कस हो रही है चीज़। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दो टी आर बनाए हुए हैं, सॉरी एक टेबल वन है और ये टेबल टू किधर है, टेबल टू का भी जिक्र हो रहा है सीएसएस में लेकिन टेबल टू यहाँ नज़र नहीं आ रही मुझे। वेल, टेबल वन यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो एज्यूम कर रहा है कि इसी तरह की एक टेबल टू भी है, ठीक है। तो पहला वाला जो रिजल्ट है वो टेबल वन का है, दूसरा वाला जो रिजल्ट है वो टेबल टू का है। तो जनाब टेबल वन पे इसने क्या लगाया, बॉर्डर स्पेसिंग 5 pixels और 15 pixels, ये दो वैल्यू इसने बॉर्डर स्पेसिंग को दे दी। तो आप नोट कीजिए कि एक साइड पे वो थोड़ा कम इसने डिस्टेंस लिया हुआ है, एक साइड पे थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। बॉर्डर जो टेबल नंबर टू है उस पर इसने कहा बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, कि बॉर्डर्स जो है वो आपस में क्या हो जाएँ, कोलैप्स हो जाएँ। अच्छा, अब आप नोट करें, पहली नज़र में देखने में ये लग रहा है कि शायद ये ना मार्जिन की तरह की कोई चीज़ है, पहली नज़र में देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन मार्जिन से ये बहुत मुख्तलिफ है। और ये काम जो इसने बॉर्डर कोलैप्स से किया है, ये काम मार्जिन से नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चाहते हैं कि मार्जिन के ज़रिए मैं दो सेल को आपस में दूर कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो सेल्स को आपस में मार्जिन के ज़रिए आप दूर नहीं कर पाएंगे। ऑन अदर एंड, मिसाल के तौर पर आपने अगर उसको दूर कर भी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं उसको कोलैप्स करता हूँ
तो आप नोट करें कि ये जो सेल नंबर वन है इसका जो बॉर्डर है और सेल नंबर टू का जो बॉर्डर है वो ऐसे चिपक जाने चाहिए आपस में। तो काइंड ऑफ आप इमेजिन कर लें कि ये 5 पिक्सल का या 2 पिक्सल का बॉर्डर है, तो इस वाले दीवार के पास इसको क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। अगर 2 पिक्सल का बॉर्डर है तो इस दीवार पे इसको 4 पिक्सल हो जाना चाहिए, लेकिन कोलैप्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कोलैप्स के केस में वो क्या हो जा रहा है, वो सिंगल हो जा रहा है, डबल नहीं हो रहा वो, ठीक है। वो अगर मार्जिन को जीरो करके चपकाएंगे हम तो क्या होगा, वो डबल रहेगा वहाँ पर, बट ऐसा नहीं हो रहा, वो डबल नहीं हो रहा। तो इस वजह से बॉर्डर कोलैप्स पे जब इसने कोलैप्स पास किया हुआ है तो वो आपस में कोलैप्स हो गए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है अगर हम कुछ ना लगाएं तो, कौन बता सकता है? ये टेबल आप सब लोग बना चुके हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेबल किसी ने बनाई ना हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है अगर मैं कुछ भी ना लगाऊँ तो, क्या वो बॉर्डर को कोलैप्स किया हुआ होता है उसने, या फिर उसने जो है वो बॉर्डर पे कोई ना कोई स्पेसिंग दी हुई है? ठीक है, अच्छा, जो बॉर्डर कोलैप्स है ना उसकी प्रॉपर्टी दो हो सकती है, एक कोलैप्स और एक सेपरेट, राइट, एक कोलैप्स है और एक सेपरेट है। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा ना तो क्या होगा, वो दोनों बॉर्डर अलग अलग हो जाएंगे, और थोड़ा सा उसमें शायद 1 पिक्सल का डिस्टेंस भी आ जाता है। वेल, तो ये हमारे पास टूल मौजूद है, कभी अगर इस तरह का कोई काम करने की ज़रूरत पड़े तो ये टूल हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अब हमारे पास टॉपिक है स्टाइलिंग फॉर्म्स। टेबल की इसने कहानी कंप्लीट कर दी, टेबल पे जो जो स्टाइलिंग डिस्कस होनी थी वो हो गई, ठीक है। अभी आप लोग करके देखेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया होगा, कोई ऐसी चीज़ जो अप्लाई ना हो पा रही हो तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में यार डिस्कस कर सकते हैं, बट उसमें कोई ऐसी आई थिंक चीज़ नहीं है कि जो अप्लाई ना हो पाए आसानी से। अच्छा, शुरू इसने बात की है और बहुत ही अच्छी बात की है, नोबडी एंजॉय फिलिंग फॉर्म्स। फॉर्म फिल करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। अच्छा, सो इफ़ यू कैन मेक योर लुक मेक योर्स लुक मोर अट्रैक्टिव एंड ईजियर टू यूज़, मोर पीपल आर लाइकली टू फिल इट। कह रहा है पसंद तो किसी को भी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बना देंगे ना, थोड़ा सा बेहतर बना देंगे अपने फॉर्म को, तो मोर लाइकली टू फिल हो जाएगा कि लोग जो है शायद उसको ज़्यादा फिल करें फॉर्म को पहले की नस्बत। दिल तो नहीं करता लेकिन मजबूरी करना पड़ता है कभी। जब आप यहाँ पर आए होंगे तो यहाँ पर भी एक फॉर्म फिल विल किया होगा कुछ, कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, स्कूलिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है, कोई ऑनलाइन टिकट शिकट बुक करते हैं, वीज़ा बुक करते हैं, फॉर्म फिल करना होता है। तो कह रहे हैं कि आप अट्रैक्टिव बना दो अपने फॉर्म को तो मोर लाइकली टू फिल हो जाएगा। कभी सर्वे होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें यूज़र का फ़ायदा नहीं होगा। एक तो भाई वीज़े के लिए फॉर्म भरना है ना, वो तो भरूंगा नहीं तो मिलेगा नहीं, वीज़ा तो चाहिए ही चाहिए, अभी क्या करेगा होता भरेगा। लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है जो यूज़र का फ़ायदा नहीं होता, उसमें कंपनी का फ़ायदा होता है, तो यूज़र कभी बोलता है यार नहीं भर रहा मैं फॉर्म, ठीक है ना, बोल के आगे निकल जाता है वो। तो ऐसे केस में ना फिर कंपनी को थोड़ा सा फॉर्म को ऐसा बनाना पड़ता है कि लोग भरें, फिल करें। मिसाल के तौर पे जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं उसमें जब आप साइन अप करते हैं ना तो साइन अप का प्रोसेस उनका बहुत ही मक्खन मलाई होता है। ऐसे आपको साइन अप करेगा आपको पता भी नहीं चलने देगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड आप जाके अगर बनाएंगे ना किसी, आजकल वीज़ा ऑनलाइन हो गया सारे, तो किसी ई वीज़ा के लिए आप फॉर्म जब भरेंगे तो वो ना फॉर्म एक तो होगा उनका बड़े पुराने ज़माने वाला, चकोर चकोर डब्बे होंगे सारे। अच्छा, उसमें कुछ भी लिखेंगे वो कुछ बोलेगा नहीं, एरर भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं बताएगा वो। आप सबमिट करेंगे वो बोलेगा भाई फला फील्ड आपकी इनवैलिड है और पूरा फॉर्म खाली हो जाएगा, अब भरो शुरू से दोबारा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है भाई बंदा जो आ रहा है ना भरने उसको भरना है फॉर्म, वो अर्जेंट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन अदर एंड सोशल मीडिया की जो साइट है व्हाट्सएप ने सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किया था कि नो साइन अप ही नहीं होगा भाई, लोग बगैर साइन अप के चले गए। तो उसमें क्या होता था, आप अपना फ़ोन नंबर डालते थे, एक SMS आता था जो कि ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है फ़ोन पर, ज़्यादातर फ़ोन पर, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन पर उसको बाई डिफ़ॉल्ट SMS का एक्सेस होता है, ठीक है।
ठीक है, जो कि बहुत ही एक वियर्ड बात है और वो बंद नहीं कर सकते आप, ये भी एक मज़े की बात है। एंड्रॉयड फ़ोन बहुत सारे जो चाइनीज़ वेंडर हैं, पिक्सल विक्सल में तो शायद होता हो ऑप्शन, तो वो उसमें आप बंद नहीं कर सकते SMS का एक्सेस। अभी मैं कल बैठा हुआ था तो वो एक दोस्त हैं, उन्होंने नॉन PTA फ़ोन ले लिया, तो उनके पास ना ऐप्स लॉगिन नहीं हो रही, जैस कैश नहीं चल रहा, बैंक की ऐप नहीं चल रही, क्योंकि उनको SMS का एक्सेस मिला हुआ है। वो पिन भेजते हैं डायरेक्ट, लंबा चौड़ा सा, वो डायरेक्ट रीड करती है ऐप उसको। तो मैंने कहा इसका पिन का एक्सेस बंद कर दो, वो बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी ऐप से आप SMS बचा ही नहीं सकते अपना, SMS तो लाजमी रीड करेगी हर ऐप। तो बड़ी अजीब बात है ये, पता नहीं क्यों इन्होंने ठीक नहीं किया इसको अभी तक। तो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला भाई नो साइन अप होगा, कोई साइन अप नहीं होगा। इसी तरह इजी पैसा जैस कैश में भी आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आपसे कोई साइनअप नहीं मांगता, वो कहता है फ़ोन नंबर लिखो और कोड आएगा, बस ऐप खुल के सामने आ गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मांगता है थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैं कभी कभी खोलता हूँ ना तो वो बोलता है यार आप NIC अपनी अपडेट कर दें, वो NIC नंबर मांगता है मुझसे, लेकिन मैंने वो भी अभी तक स्किप कर देता हूँ हर दफ़ा मैं, लेकिन वो चल रहा है, सही है, कुछ भी नहीं बोलता। तो नो साइनअप की तरफ जा रही है अब दुनिया। इसी तरीके से जितने भी कंपनीज़ हैं जहाँ पे फॉर्म फिल करने वाली चीज़ें हुआ करती थी, मिसाल के तौर पे पहले ना जब हम टैक्सी बुक करते थे एयरपोर्ट से, एक तो टैक्सी होती बहुत महंगी थी, तो बहुत से बंदे ना सोचते भी नहीं थे बुक करने का उनको पता था हम बुक करेंगे टैक्सी एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट से जब बंदा निकलता है ना बड़े मतलब क्या उसको काबिल रहम हालत में होता है वो, एक तो वो सफ़र करके आया हुआ था लंबा, भूखा प्यासा भी होता है, जहाज़ पे वो खाना वाना भी जो है ना इतना ठीक देते नहीं है, कभी किस्मत से मिल गया ढंग का तो मिल गया, वरना ऐसा ही है। फिर वो ज़ाहिर है सोया भी नहीं होता बंदा, ठीक है, मेरे को तो नहीं नींद आती भाई, मतलब लोगों को आ जाती है, मेरे को तो ऐसे मैं देखता रहता हूँ, हालांकि कर कुछ भी नहीं सकता मैं अगर वो गिरे विरे का भी ना, लेकिन मैं डर लगता रहता है अभी कुछ हो ना जाए इसको, कर कुछ नहीं सकता मैं, अरे वो अगर इंजन में आग लगेगी तो मैं बुझा थोड़ी दूंगा उसको लेकिन नींद नहीं आती डर के मारे। तो वो जागा वागा भी होता है बंदा, अब जब बाहर निकलता है ना वो, तो उसको बुक करनी होती है टैक्सी, तो वहाँ पे काउंटर बना हुआ होता था पहले, अब तो पता नहीं होता या नहीं होता, ये एयरलिफ्ट ने और ऊबर ने सबकी बैंड बजा दी है, अब तो पता नहीं वो कंपनियाँ भी पता नहीं नज़र नहीं आती, एक सुपर कैब होती थी पता नहीं मेट्रो कैब होती थी उनकी, वो GLI पे वो आते थे वाइट ड्रेस पहन के, उनके काउंटर पे आप जाते थे ना वो इतना बड़ा फॉर्म आगे कर गया आपको, अब कर लो बात क्या करोगे आप, अब वो बंदा आधी नींद में ना वो भर रहा होता था फॉर्म उसका। अच्छा फिर पैसे भी आपको इतने बताते थे वो कि बंदे बोलते थे थैंक यू सो मच, वो बाहर पठान रक्षे वाला खड़ा हुआ है ना उसके साथ मैं निकल लूँगा। तो अब हम अभी वाले जो सॉल्यूशन है उसके वो ऊबर है, ठीक है, ऊबर में भी ना वही सारी बातें पूछता है वो जो वो काउंटर पे खड़े होकर पूछते हैं। मिसाल के तौर पे आपका नाम पूछेगा, आपका CNIC नंबर पूछेगा, वो कहाँ जाना है वो एड्रेस पूरा पूछेगा आपसे, और आपके बारे में एक दो बातें और भी पूछ लेगा कि फ़ोटो वोटो आपकी मांग लेगा वो, ठीक है, वो काउंटर पे वो फ़ोटो भी नहीं मांगते, वो तो बोलते हैं बस NIC की नंबर वंबर लिख दो मुझे NIC शो करा दो। मगर वो चीज़ें सारी ले लेता है थोड़ा थोड़ा करके ना, सब ले लेता है वो, तो काउंटर पे बैठे हुए बंदे से ना ज़्यादा डिटेल आपसे ले रहा है ये, लेकिन फील नहीं होता क्योंकि लोकेशन कैसे ले रहा है, मैप खोल देता है, ठीक है, और एक बार आप सेलेक्ट करते हो कोई जगह तो वो हिस्ट्री में सेव भी हो जाती है, और आप क्लिक करते हो फौरन सजेस्ट करता है, आप क्लिक करते हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, इनपुट लेने की ना बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा फिर उसमें फ्रॉम और टू लिखा हुआ आ रहा होता है, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। फिर डिफरेंट एड्रेसेस अंदर सेव हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड अंदर ही अटैच हो जाता है, वहीं से पैसे चार्ज होते हैं, सब कुछ वहीं से होता है, और काफ़ी इजी फील होता है। हालांकि डेटा ये उस काउंटर वाले बंदे से ज़्यादा डेटा ले रहे हैं और पैसे कम ले रहे हैं, तो लोग प्रेफर भी करते हैं। तो फ़र्क दोनों में क्या है, फ़र्क दोनों में ये है कि दोनों का जो फॉर्म है ना, एक का फॉर्म बहुत अच्छा बना हुआ है, एक का फॉर्म बहुत ही बुरा बना हुआ है, ठीक है। तो
यही वजह है कि फॉर्म फिल करना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन ऊबर का फॉर्म जो है उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया है, ऐसी सेटिंग की है कि आप कब वो फॉर्म फिल करते हैं आपको नहीं पता। ठीक है, इजी पैसा वाले ऐप, अच्छा पहले ना बाय द वे इजी पैसा वाले बहुत लंबा फॉर्म खोलते थे, अगर किसी ने शुरू के दिनों में यूज़ किया हो जब मोबाइल ऐप इनकी नई नई आई थी तो ये फॉर्म खोलते थे काफ़ी लंबा, और उसमें काफ़ी चीज़ें पूछते थे और वो वैलिडेट होती थी, पता नहीं वेरीफाई होती थी, और वो पेंडिंग में जाता था अकाउंट, दो तीन दिन बाद अप्रूव होता था। फिर कभी ये बोलते थे यार फ्रेंचाइज में जाके, इस तरह की चीज़ें होती थी पहले, अब वो ख़त्म हो गई है। तो इसको बोलते हैं ये KYC बोलते हैं, नो योर कस्टमर, कि भाई जो कस्टमर अकाउंट पे साइन अप कर रहा है आया कि वो रियल बंदा है भी या नहीं है, तो इसलिए वो फ्रेंचाइज बुला के ना एक बार उसका या तो बायोमेट्रिक करते हैं या तो कुछ ना कुछ करते हैं, वो किसी ना किसी लेवल पे ये काम वो कर लेते हैं, जब तक वो काम नहीं करते आपको ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं करने देते। ठीक है, तो पहले लेकिन क्या होता था, अकाउंट ही ओपन नहीं करते थे। अभी भी इस वक्त बैंक अकाउंट जो ओपन होते हैं, एक्चुअल बैंक्स में जो ओपन होते हैं अकाउंट, उसमें जब तक आप जाके ना उनका इतना लंबा फॉर्म नहीं भरे ना, अकाउंट ओपन नहीं होते। ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्दी वो। अभी एक नई चीज़ लॉन्च की है स्टेट बैंक ने, रास्त करके कुछ मैं देख रहा था अभी, तो वो मुझे लग रहा है इसी चीज़ की पहली सीढ़ी है कि ये अकाउंट जितने बनते हैं ना ट्रेडिशनल, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। अब वो बस ऑनलाइन आप क्लिक करेंगे और क्या कहते हैं, सेंट्रल एक डेटाबेस बन जाएगा कि आपने किसी भी एक बैंक में अगर KYC करवा दिया तो वो सारे बैंकों के लिए हो जाएगा, मुझे जितना समझ में आया उनका इनिशिएटिव। जो क्योंकि ये ब्रांचेस बहुत ओवर कॉस्ट हैं, क्योंकि एक ब्रांच के अंदर जाहिर है आप शाहरा फैसल पे अगर कोई बिल्डिंग ली भी है उन्होंने तो मेरे ख्याल है 1,00,000 रुपये तो किराया देंगे, 1,000 गज़ की जगह अगर ली हुई है तो, या 500 गज़ की भी ली हुई है तो भी 60-70,000 तो नई नई करके देने ही पड़ेंगे। फिर बिजली का बिल है, AC वेसी चलता है, कंप्यूटर चलते हैं, बंदे हैं, सैलरी उनको देनी पड़ती है, चौकीदार भी रखना है, रात को भी रखना है, दिन को भी रखना है, फिर पानी आ रहा है, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, वहाँ वॉशरूम भी बना हुआ है, किचन भी बना हुआ है, उसमें माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, बर्तन पड़े हुए हैं अंदर, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से लेके जो है ना, फिर मेरे उठने का टाइम हो गया स्टॉप। तो वो ये सारा कुछ ना बहुत कॉस्टली पड़ता है अभी इस वक्त। बैंक में जाता वाता कोई है नहीं, बैंक के ब्रांच में आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, जी पूछ लो। अच्छा, बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं ना, आपको बंदे कौन नज़र आएंगे वहाँ पे, जो हाथ में ना कैश लेकर आए हुए होंगे, ज़्यादा कोई पठान होगा ऐसे, आपको हुलिये से लगेगा कि शायद इनका कोई ब्लॉक का थल्ला वगैरह है या बजरी का या कोई रेती का काम है। ठीक है, कोई आपको ऐसा बंदा दिखेगा क्योंकि कोई होलसेलर है, कोई सेल्समैन वगैरह टाइप के बंदे। ठीक है, ज़्यादा कैश होगा उनके हाथ में ना, थैली वैली में भर भर के लेकर आए हुए होते हैं और वो ना जमा करवा रहे होते हैं बस, या कोई खातून होंगी वो उन्होंने थैली में छुपा के कैश लेकर आई हुई होंगी, किसी को भेजना है, कहीं जमा कराना है या डिपॉज़िट करना है अकाउंट में, तो ये मुख्तलिफ कैरेक्टर होंगे लेकिन काम एक ही होगा, डिपॉज़िट बस, और कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, डिपॉज़िट का मसला तो बहुत पहले ही हल हो गया पूरी दुनिया में, ATM जो हमारे पास लगे हुए ना, वेंडिंग क्या जो भी नाम है इसका, तो वो उसमें पैसे इनपुट लेने वाली मशीन भी बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में होती है, हमारे यहाँ सिर्फ नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में बहुत पहले से, तो ये डिपॉज़िट का तो इशू है ही नहीं। तो सिर्फ डिपॉज़िट करने बंदे पहुँचे हुए होते हैं, बाकी कैश विड्रॉ करना तो कार्ड से होता है, बिल पेमेंट करना वो डायरेक्ट मोबाइल ऐप से ही हो जाता है अब तो कैश निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आमतौर पर, वो ऐप के अंदर रहते हुए नंबर माइनस प्लस होते रहते हैं, बिल जमा हो रहा है, जो भी फ़ोन से लेके इंटरनेट से लेके गैस बिजली पानी हर चीज़ का बिल ऐप से जमा हो जाता है। अब तो राशन भी उसी से आ जाता है, वो कोई एक पता नहीं रिटेलो करके कोई ऐप है, हाँ तो वो मेरे बड़े भाई हैं वो बता रहे थे, तो उन्होंने वो लिख के बता दिया कि यार चावल इतने आटा इतना, वो तो उनका ट्रक आ गया उन्होंने कहा ये तो आ ही गया तो उन्हें तो टेस्टिंग में हम कर रहे थे, वो आ गया असली में आ गया, तो हमने कहा ठीक है भाई आ गए हो तो रख दो सामान, तो वो पूरा उतार उतार के चला गया। तो वो कह रहे यार ये जितने दुकान है ना आपके एरिया में, इन सब के हम ही तो ला कर देते हैं इनको सामान, रिटेलर वालों से सब लेते हैं सामान। मैंने कहा ये भी सही है,
तो पेमेंट उनको उसी से हुई, ऑनलाइन यानी मोबाइल ऐप से ना उन्होंने बता दिया ऐसे करके पेमेंट कर दी, पेमेंट वहीं से हो गई। तो कैश निकालने ही नहीं रहा, कोई निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कैश, जब डिपॉजिट कराने जा रहे हैं सिर्फ बंदे, तो बैंक के ब्रांच खोल के क्यों रखे हैं, मैं बंद क्यों नहीं कर रहे उसको? वो बंद इसलिए नहीं कर रहे कि केवाईसी कैसे करेंगे भाई। आपको अकाउंट में, ब्रांच में अकाउंट खोलना है तो आपको क्या केवाईसी करने वो शारा फैसल थोड़ी बुलाएगा, या आपको बंस रोड के पास जो उनका बहुत बड़ा वो हेड ऑफिस के सारी पट्टी है वहाँ थोड़ी जाओगे आप। आप बोलोगे यार मैं तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, या मैं रहता हूँ बफर जोन में, मैं तो उधर थोड़ी जाऊँगा, मैं तो अकाउंट ही नहीं खोलता हूँ छोड़ो। तो इसलिए उन्होंने हर एरिया में बना के रखे हैं कि यार बंदा आएगा तो केवाईसी करनी पड़ेगी। तो फिर वो चाहते हैं थोड़ा यार काम धंधा भी कुछ लगा रहे, बिल्कुल फारिग बिठाएंगे ना एम्प्लॉयज़ को तो अच्छा नहीं लगेगा कुछ रेपुटेशन। तो खैर, तो वो केवाईसी का मसला अगर जिस दिन इन्होंने हल कर लिया उस दिन ये सारे ब्रांच बंद हैं, सारे ब्रांचों पे ताला है। तो हम बात कर रहे थे इनपुट लेने की, तो इनपुट लेने का जो तरीका है ना वो बैंक वाले अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, नया वाला कर लेंगे बहुत जल्दी। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने दो तीन अलग अलग इनपुट्स दिखाए हुए हैं। एक दिखाया हुआ है इन्होंने मैक की स्क्रीन, के यार एक ट्रेडिशनल किस्म का फॉर्म मैक पे किस तरह खुलेगा। एक इन्होंने दिखाया हुआ है फायरफॉक्स के, एक ट्रेडिशनल फॉर्म फायरफॉक्स के ब्राउजर पे किस तरह खुलेगा। गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दिखाया हुआ है इन्होंने। इसमें आप एक कॉमन बात अगर नोट करें तो इनका सेलेक्ट बॉक्स जो है ना मैक पे जो खुल रहा है वो गोल मटोल से खुल रहा है थोड़ा। अच्छा फिर फायरफॉक्स पे भी गोल मटोल है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा अब अगर हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे तो इसमें बिल्कुल स्क्वायर है ये, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी स्क्वायर सा कुछ है। अच्छा रेडियो बटन भी थोड़ा मुख्तलिफ है दोनों तीनों का। जो मैक पे और फायरफॉक्स पे रेडियो बटन है वो थोड़ा सा 3D सा ऐसा इम्बोज हुआ हुआ फील हो रहा है। ऑन अदर एंड इन पे जो स्क्वायर स्क्वायर सा फ्लैट किस्म का दिख रहा है, बाकियों पे बटन भी थोड़ा फ़र्क है, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो ऐसा क्यों है, हम इस पे बात करके मेरे ख्याल है हम ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है, हर ब्राउज़र पे फॉर्म जब मैं बनाता हूँ तो अलग अलग क्यों दिख रहा है? वो इस वजह से दिख रहा है यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से। मिसाल के तौर पे गूगल क्रोम जो बंदे यूज़ करते हैं उनको एक ख़ास किस्म का फॉर्म देखने की आदत है, एक ख़ास किस्म का बटन उनको देखने की आदत है, और उसी तरीके से वो चल रहा है। ऑन अदर हैंड एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं, जो मैक है और आईफोन है, उन्होंने एक अपना यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड किया हुआ है। दोनों ने रिसर्च की है, दोनों का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा किसी का भी नहीं है, दोनों का अच्छा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू देम वो बोलते हैं कि यार ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ना वो ऐसा खुलना चाहिए, ठीक है, एक ख़ास किस्म का खुलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आईफोन के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है तो वो कुछ इन्होंने तो सिर्फ ब्राउजर्स दिखाए हुए हैं, मैं जरा मोबाइल फोन भी एक दो आपको चेक करवाता हूँ। यार ये इंटरनेट स्लो क्यों हो गया इतना? अच्छा कुछ इस तरह का खुल जाता है ड्रॉप डाउन, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं ना तो ये पूरी स्क्रीन पे खुलता है, और ये डेट और टाइम कहीं पे इनपुट दिया जा रहा है तो इसको आप थंब से स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लगता है वो टिक 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 सी आवाज़ निकालता है, जैसे आपको रियल डायल को घुमा रहे हैं। तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस बिल्डअप किया हुआ है आईफोन के यूज़र्स के लिए। ऑन अदर एंड एंड्रॉयड पे जो डेट इनपुट है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, ऐसा वाला नहीं है वो कुछ इस तरह का वो खुलता है। अच्छा एंड्रॉयड में इन्होंने 4-5 दफ़ा चेंज किया है इसको, तो इसमें अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है उसमें सब में सेम है। तो कुछ इस तरह का इसमें डेट इनपुट खुल जाता है, ठीक है, वो ऐसे स्क्रॉल वाला नहीं खुलता।
इन्होंने ये यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड किया हुआ है, जो एंड्रॉयड के यूज़र हैं उनको ये वाला देखने की आदत है, इसमें कंफर्टेबल है। तो हमने शुरू में यूज़र एक्सपीरियंस को देखा था, उसके हमने दो मेजर पार्ट भी समझे थे, एक प्रीवियस एक्सपीरियंस पढ़ा था हमने और एक हमने पढ़ा था प्लेजरेबल वो होना चाहिए। तो इसमें दोनों एलिमेंट कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो एप्पल की रिसर्च के मुताबिक जो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया, एंड्रॉयड वालों को जो बेहतर लगा इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, और दोनों फैक्टर इसमें भी शामिल हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस का भी और प्लेजर वाला भी आइटम, उन्होंने इसके ऊपर उसको बिल्डअप कर दिया। अच्छा, तो जब आप बगैर कोई स्टाइलिंग किए फॉर्म बनाते हैं तो वो हर ब्राउज़र ना बटन के ऊपर अपने हिसाब से स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा, ठीक है, आपसे पूछे बगैर। अगर आप ये चाहते हैं कि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है बटन जैसे गोल मटोल है ऐसा वाला ना रहे, मेरी मर्ज़ी का वो बटन, तो आप फिर इस पर क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं आप, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई करते हैं, साइज़ बड़ा छोटा जो भी आपको करना होता है वो सब आप अप्लाई करते हैं। तो जब वो सारी CSS आप लगा देते हैं तो फिर ये किसी भी ब्राउज़र में खुलता है तो उस CSS को कैस्केड करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वो बिल्ट इन यूज़र एक्सपीरियंस को फॉलो करें, ठीक है। अब ये भी एक सोच है, ये भी एक सेंस है कि किस पॉइंट पे आपको ये काम करना चाहिए और किस पॉइंट पे आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी एक थिंकिंग है। वेल, ये आपका डिज़ाइनर आपको बताएगा कि यार इस वाले एलिमेंट को ना छेड़ना नहीं है, बिल्ट इन पे छोड़ देना है। किसी एलिमेंट पे ये काम हो सकता है, किसी एलिमेंट पे हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आईफोन के ऊपर जब खुलेगा कोई वेब पेज तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आप जो मर्जी कर लें, जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो वही डायल खोलेगा, वो टिक 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 वाला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने रखा हुआ है, बाय फोर्स इस चीज़ को क्या उसको बोलेंगे, इन्फोर्स किया हुआ है, आप उसका बिहेवियर चेंज ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं खोलूँ तो मेरे पास एक ब्रॉक्स चकोर बॉक्स आए, ये आप काम नहीं कर सकते उसमें। इस तरह एक दो चीज़ें और भी हैं जो अभी फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से ही करेगा। जैसे डेट इनपुट है आईफोन के ऊपर, अगर आप डेट इनपुट बॉक्स आपने लगाया हुआ है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डेट इनपुट उनका ही अपना खुलेगा। आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं कैलेंडर सा शो करूं जैसा एंड्रॉयड में शो होता है तो वो आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इन्फोर्स किया हुआ है उस पर, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते CSS के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा कि यार, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में फॉर्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत है। रीज़न उसका ये है, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो मेजर चीज़ हो रही होती है वो तीन स्टेप्स में होती है, यूज़र से कोई इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना स्टेप नंबर टू, और उसको आउटपुट दिखा देना, जो भी रिजल्ट हुआ है उस प्रोसेसिंग के नतीजे में उसका आउटपुट दिखा देना। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो फॉर्म से शुरू होता है, इनपुट लेने से शुरू होता है। तो इनपुट लेना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इनपुट सिर्फ फॉर्म से नहीं लेते, और भी कई तरीके हैं इनपुट लेने के, सेंसर्स से होता है, आपकी कैमरे से होता है, बहुत सारी और भी तरीके हैं, बटन के प्रेस करने से भी इनपुट होता है। तो इनपुट जो है वो सबसे पहला स्टेप है किसी भी सॉफ्टवेयर के जो वर्क फ्लो को स्टार्ट होने में, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्टॉक की कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूरे पूरे, कैलकुलेटर की ऐप, MS पेंट, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, google.com, जितनी भी वेबसाइट, जितने भी सॉफ्टवेयर आज तक आपने देखे हैं, यहाँ तक के टाइपराइटर की भी अगर मैं बात करूँ, जो कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में तो नहीं लाया करता लेकिन काइंड ऑफ वो सॉफ्टवेयर की पुरानी शक्ल है, तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि आप एक इनपुट ले रहे होते हैं, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकल आता है, ठीक है। तो जो बेसिक सबसे फ्लो है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो यही होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ख़त्म। तो ये इनपुट हमने जो है ना इसके डिज़ाइन पे हम बात कर रहे थे, जहाँ तक हमने कर ली, इंशाल्लाह यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टास्क आपका क्या है कि ये चैप्टर आपने, जैसा कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि थोड़ा सा आगे पढ़ लिया करो भाई, जो बुक है बुक को पूरा पढ़ के, इस चैप्टर को जो शुरू में इसने पिक्चर बताई है उसको देख कर बनाने की, मिमिक करने की कोशिश करना, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।